डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या पढ़ना आपने भाई, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर क्या पढ़ेंगे हम, पावर सीरीज मेथड। ठीक है बात, कि पावर सीरीज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो भाई पहले हम बताओ क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ नहीं होती, जो आपके पास कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन का आपने क्या किया भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई इक्वेशन किसी फंक्शन के डेरिवेटिव्स अपने अंदर समाहित किए हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ वाई इज इक्वल टू क्या भाई, अगर मैं ये कहूँ भाई बताओ बस वाई क्या मेरे पास, एक्स क्यूब मेरे पास, बताओ वाई क्या मेरे पास भाई, एक्स क्यूब। तो तुम क्या बोलूँगा भाई, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स, बताओ मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वेयर आएगा मेरे पास भाई। तो डी वाई बाई डी इसमें क्या 3x स्क्वेयर। अब आप 3x स्क्वेयर को आप इस साइड फेंक दो, बताओ मेरे पास क्या आ गया, तुम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो थ्री एक्स स्क्वेयर ये क्या होता है मुझे बताओ भाई, नहीं अरे बात आपको बिल्कुल भाई, तो ये बताओ मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या बताओ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाई का हमारे पास क्या अवेलेबल है, डेरिवेटिव। इसके अंदर वाई का हमारे पास क्या अवेलेबल भाई, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, इजंट इट। अच्छा बताओ भाई, और ये कोई फंक्शन है, ये हमारे पास क्या कोई फंक्शन है, ठीक है। अब अच्छा मैं बताऊँ भाई, अगर मैं इसी का मैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डर क्या रखा भाई, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं क्या करूँ इसको भाई, इसको हम क्या करूँ, डबल डेरिवेटिव। तो बताओ भाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होता मेरे पास क्या जाएगा, बोलो इज इक्वल टू 6x। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x मेरे पास क्या जाएगा बताओ भाई, 0। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, नहीं आया क्या आपको, इसको हम क्या बोल, इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, और इसको आप, मैं आपको बताऊं भाई, इसको आप क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो इस y की फॉर्म में, जैसे ये है। अब एक काम करो, आप इस सारे को x से मल्टीप्लाई कर दो, किससे भाई, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या आ गया मेरे पास, 3x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब x क्यूब क्या होता है, y, तुम क्या बोलूंगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 0, बोलो भाई। और इसको बोल देते हैं y डैश, इसे क्या बोलते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई डैश, इसको आप अरे भाई माइनस 3 वाई इज इक्वल टू, तो इनको लिखने के कई तरीके होते हैं भाई, नहीं मैं तो पहले पढ़ रही क्या। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली अगर इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स स्क्वेयर से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस 6x क्यूब हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब को फिर मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वाई से, नहीं आएगा आपको भाई। तो भाई फिर ये क्या हो जाएगी मेरे पास, इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश, वाई डबल डैश माइनस 6y, नहीं आएगा आपको भाई। तो इनको लिखने के क्या क्या होते हैं, कई तरीके होते हैं इन इक्वेशंस को, नहीं आया ना आपको ये, ओके। तो भाई और आपको पता भाई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहे भाई, हमारी फेवरेट तो वही थी हम, अब आप पढ़ दो ना, वन डायमेंशनल बॉक्स में भी क्या होती है हमारे पास, डिफरेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन खुद क्या होती है, एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इजंट इट, वेरी गुड।
ओके okay. अब आप मैनू ये बताओ, ठीक है भाई, तो आपको आ गया, खैर भाई ठीक है, अच्छा बताओ आप, अच्छा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल, यहाँ पर देखो भाई मैंने इसको वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, अरे मैंने 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 आपको पढ़ाया था, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्या है, बी वाई, तो भाई ये बताओ कि आप कहोगे इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलें कि सेकेंड ऑर्डर बोलें, भाई इसको अपने क्या बोलना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, इसमें 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 मैक्सिमम क्या है, डबल डेरिवेटिव, इसमें क्या हुई डबल डेरिवेटिव। अरे मैंने आपको बताया था ना कि आप इनको फिर वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं आया क्या आपको, तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मालूम करते हैं, देखो एक बात होती है, अगर मैं ये को मान लिया मेरे पास क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करके आपने वो इक्वेशन बनाई है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कर आपने वो इक्वेशन तैयार की है, उस फंक्शन को मालूम करना क्या होता है, उसका सॉल्यूशन करना। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या होगा मेरे पास, बोलो भाई 3x की 2 होगा ना, इजंट इट, तो क्या है मेरे पास ये, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ गया ना भाई, तो ये जो इक्वेशन है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आता है इसी की, और यही क्या हमारी पास इसी क्या, ये रीअरेंज्ड फॉर्म भाई, ये मेरे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की, क्या भाई फर्स्ट ऑर्डर की, क्यों, अगर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई भी करोगे, अच्छा एक्स से मल्टीप्लाई करने से आप कैसे लिखोगे बताओ भाई, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या था, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया ना भाई, और या फिर आप डी वाई बाई डी एक्स क्या बोलते हो आप, वाई डैश, तो एक्स वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इजंट इट, ये सब सेम है, इजंट इट, अरे बोलो भाई, तो इससे दोबारा ये फंक्शन हासिल करना, इससे दोबारा ये तो ये पता करना कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है वो फंक्शन क्या है, ये मालूम करना भाई, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है, ये तो मालूम कर लेंगे आराम से, कैसे भी डबल इंटीग्रेट करके, बोलो भाई, तो हमको लगता क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत क्या है भाई, इजी, हम क्या करें इसको भी डबल डेरिवेटिव, बताओ मेरे पास क्या जाएगा, अरे भाई इसको रीअरेंज करो मेरे पास ये आ गया, इसको एक बार इंटीग्रेट करने पर क्या मेरे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन प्लस में क्या है मेरे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी आएगा भाई इंटीग्रेट करने पर, इसको इसको इंटीग्रेट करने पर मेरे पास क्या है बताओ भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी आएगा मेरे पास, तो भाई नहीं आपको सुमित, अब मुझे क्या पता सी क्या है, नहीं मतलब आपको पल पड़ी क्या, लेकिन भाई जनरली मैं साइड लगाते हैं कि भाई जैसे डिफरेंशिएट करके आप अगर ये अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक बार डिफरेंशिएट किया क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दो बार ही डिफरेंशिएट किया क्या बन गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई उसको अगर हमारे पास क्या हो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं उसको दो बार क्या करूँ इंटीग्रेट, तो मेरे पास वापस क्या जाना चाहिए, बोलो भाई नहीं समझे बात भाई, और ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए भाई, ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए भाई कि बताओ क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, राइट हैंड साइड के बताओ क्या हो भाई, इक्वल प्रूव हो जाए, आ गई नहीं आपको भाई, नहीं आना आपको ये, ओके तो भाई एक मैं आपको बताऊं भाई, तो आप इनके जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो क्या भाई, देखो किसी इक्वेशन के बहुत सारे क्या वो होते हैं, हो सकते हैं भाई सॉल्यूशन, कई क्वेश्चन के एक से ज़्यादा क्या क्या होते हैं भाई सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, तो उसके लिए आप एक जनरल सॉल्यूशन लिखते हो, ठीक है, वो जनरल सॉल्यूशन हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो ये वाली, बताओ ये बताओ पहले किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, सुमित किस ऑर्डर की क्वेश्चन होता है भाई, सेकेंड ऑर्डर की, तो मैं ये कहूं भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो सकता है,
मेरा परसेप्शन भाई, क्या मैंने क्या बोल दिया भाई बताओ, कि ये मान लो भाई कि इस इक्वेशन का जनरल जनरल सोल्यूशन में क्या मानता हूँ, वाई इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव ये, मैं क्या बोलता हूँ भाई इसका क्या, ये दो बारी डेरिवेटिव, वाई इज इक्वल टू ई की लैम्डा एक्स, मैं कहता हूँ इसका क्या है, दो बारी डेरिवेटिव, ओके तब आइए, तो मैं कहता हूँ इसका यानी कि इसको अगर सॉल्व करूँ तो वाई का एक्सप्रेशन मेरे पास ये आना चाहिए, तो चेक करना भाई, तो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए, लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी भाई, आपने इसका जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें एक अननोन पैरामीटर डाल रखा, कौन सा, लैम्डा, क्या भाई लैम्डा भाई, नहीं आपको, आपको इसका भाई जनरल सॉल्यूशन का ये हो गया, तो दिक्कत क्या है भाई, इसको कंफर्म करो कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन वैलिड है, इजंट इट, कैसे मालूम करेंगे, आप एक काम करो, आप इसका डबल डेरिवेटिव करो, क्या वाई मेरे पास ये, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, वाई के सिंगल और डबल डेरिवेटिव, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा बताओ भाई, लैम्डा ई की लैम्डा एक्स आएगा ना भाई, और मेरे पास भाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मेरे पास क्या आएगा बताओ भाई, लैम्डा स्क्वेयर ई की लैम्डा एक्स आएगा ना भाई, तो मेरे पास वाई की वैल्यू भी है, बोलो भाई मेरे पास वाई की वैल्यू भी है, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू भी है, मेरे पास डी स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर वैल्यू भी है, इजंट इट, और क्या जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या उसके अंदर यही एंट्रीज नहीं, क्या चेक करो, बोलो भाई, अब इसमें आप क्या पुट कर दो बताओ भाई, डी स्क्वेयर वाई तो क्या, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर तो आप क्या पुट कर दें, लैम्डा स्क्वेयर ई की लैम्डा एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या पुट कर दें, लैम्डा ई की लैम्डा एक्स, और वाई क्या पुट कर दें, वाई 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 ई की लैम्डा एक्स, ठीक है बात, तो बताओ आपके पास ये क्या बन जाएगा भाई, तो आपके पास क्या ये इक्वेशन ऐसे नहीं आ जाएगी, अरे ये क्या लिखा मैंने यहां पर ई की लैम्डा एक्स, अरे बी इंटू क्या है ये, अरे भाई आप ऐसी क्वेश्चन क्या थी, एक क्वेश्चन क्या थी आपके पास, डी स्क्वेयर वाई बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और सामने इसके और क्या था, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्या है बी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो भाई यहां तो क्या पुट कर दें, लैम्डा स्क्वेयर ई की लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वेयर ई की लैम्डा एक्स प्लस ए, यहां क्या पुट कर दें, लैम्डा ई की लैम्डा एक्स, लैम्डा ई की लैम्डा एक्स, और प्लस यहां क्या पुट कर दें, वाई क्या पुट कर दें, अरे बोलो भाई क्या था, बी था ना बी, क्या था ये बी, तो बी वाई क्या पुट कर दें, ई की लैम्डा एक्स, बोलो भाई इज इक्वल टू जीरो, अब यहां से कॉमन क्या निकाल लें, मतलब आप ये मान रहे हो कि भाई ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अगर ये अगर इस इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है तो इसी के डेरिवेटिव से बन रही होगी, तो मैंने क्या किया, इसी के मैंने क्या बना लिए डेरिवेटिव, यहां पुट कर दिए, देखा क्वेश्चन क्या बनती है, ये बन गई ना भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या नहीं चाहिए, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, जीरो, इसमें से कॉमन क्या आएगा बताओ, ई की लैम्डा एक्स, तो ई की लैम्डा एक्स कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया मेरे पास, लैम्डा स्क्वेयर प्लस ए लैम्डा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और भाई क्या आपके पास ये एक क्वाड्रिक फंक्शन नहीं क्या, अरे भाई लैम्डा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, अरे सॉरी लैम्डा स्क्वेयर प्लस ए लैम्डा प्लस बी, अरे भाई ए और बी तो क्या है कॉन्स्टेंट्स, लेकिन ये क्या वेरिएबल, तो आप इसको भाई अब बताओ, अब या तो ये क्या हो या तो ई की लैम्डा एक्स क्या हो, तो इसको जीरो होने के लिए भाई इक्वेशन को जीरो होने के लिए या तो ये पोर्शन क्या होना चाहिए जीरो या ये पोर्शन क्या होना चाहिए भाई जीरो, अब ये पोर्शन जीरो हो सकता क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ इसका मतलब फंक्शन क्या है जीरो, फंक्शन तो जीरो नहीं होगा,
तो पक्की बात भाई जीरो क्या होना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर ए लैम्डा प्लस बी। तो भाई ये क्वाड्रिक फंक्शन है, तो क्वाड्रिक फंक्शन के कितने रूट आएंगे, दो। तो लैम्डा की आप यहाँ पर दो वैल्यूज निकाल लोगे क्या, तो जो दो लैम्डा की वैल्यू आएंगी ना, अगर वो लैम्डा की वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ यहाँ पर, तो अगर वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ ना भाई, मान लिया एक क्वाड एक मान लिया एक आ गया, एक आ गया मान लिया तीन, ए मान लिया कितना आ गया भाई, मान लो ए तीन आ गया भाई, नहीं बता आपको ना, अरे भाई लैम्डा की यहाँ पर क्या दो वैल्यू होंगी ना, तो ए और बी की वैल्यू पुट करने पर मैं लैम्डा वन क्या है मेरे पास तीन आ गया, और लैम्डा टू क्या है मेरे पास चार आ गया। इसका मतलब यहाँ पर तीन पुट करूँ मैं तब भी ये इस तरह है कि क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा वैलिड, और चार पुट करूँ तब भी क्या रहेगा भाई वैलिड। नहीं आना क्वेश्चन में, अरे बोलो भाई। तो ये इसका सोल्यूशन कब होएगा, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी, बताओ सॉल्व करो इसको, बताओ मेरे पास क्या आया, तो बताओ भाई क्या होगा। तो अगर ए क्या हो चार और बी क्या हो, अरे भाई आपको आप ए और बी कुछ पुट कर दो यहाँ पर, तो आपको पता लग जाएगा कि लैम्डा वन लैम्डा टू की एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, लैम्डा वन लैम्डा टू की भैया एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, जो कि भाई यहाँ पुट करने पर ये फंक्शन इसका सोल्यूशन कहलाएगा। नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई ऐसे ही क्या लिखते हैं जनरल सोल्यूशंस, नहीं आएगा आपको। और ऐसे भैया आपने एक जनरल सोल्यूशन कहा था रे, आप जब क्या पढ़ते हो वन डी बॉक्स पढ़ा पढ़ा हो ना अपने भाई, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इजंट इट। तो हम उसको भाई जनरल सोल्यूशन होने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ी थी, आग नहीं आपको ये। अब बताओ क्या हमारे पास पावर सीरीज मेथड, तो आपको क्या भाई, तो अलग अलग प्रकार की, तो हे पार्थ ये बताओ अलग अलग प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के भाई कई सॉल्यूशन हो सकते हैं ना भाई, इजंट इट, अरे बोलो भाई। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन एट लीस्ट कैसे निकाला जा सकता है बताओ भाई, पावर सीरीज मेथड से। कैसे भाई, पावर सीरीज, पावर सीरीज आपको पता हो क्या होती है, एक इन्फिनिट सीरीज होती है इस टाइप की। देखो अगर आपके पास इस तरह की शक्ल के आपके पास क्या भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो क्या वाई डबल डैश पी एक्स, मतलब भाई सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। अरे मैंने आपको बताया था ना, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आप वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं पढ़ा मैंने आपको, अरे बताओ भाई। ठीक है, तो अगर आपके पास हो तो क्या भाई बताओ भाई, वाई डबल डैश ये क्या है डबल डेरिवेटिव, ये क्या है बोलो भाई, और ये क्या है सिंगल डेरिवेटिव, ये बताओ मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू बोलो भाई r सम फंक्शन ऑफ x, इजंट। अगर आपके पास इस तरह की आपके पास क्या हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भाई, तो आपने निकाला तो y इसके लिए, फंक्शन तो हमारा क्या y होता होगा, तो इसको सॉल्व करने पर y पता कैसे शक्ल का आएगा, ऐसा y आएगा भाई, a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स एक्स क्यूब फलाना ढिमकाना, इसको भाई आप ऐसे लिख सकते हो। नहीं आ गया आपको भाई, अरे बोलो भाई। ठीक है, तो भाई तो आप ए आपको आपका मोटिव क्या होता है, ए ज़ीरो ए वन ए टू मालूम करना, नहीं समझे बात, और आपने वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है भाई। तो इस तो आप इस तरह से इसको एक्सपेंड करके, और आप क्या आप बताओ क्या आप बताओ क्या निकल सकते हो भाई, उसका एक जन एक सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं पावर सीरीज मेथड। क्या आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, और फिर से क्या करो भाई, सिंप्लीफाई करो, बाउंड्री कंडीशन लगा के या कुछ भी। अरे बोलो भाई, फॉर एग्जांपल अब आपको इसका फ़ायदा क्या है, इस पावर सीरीज मेथड का भाई आप बहुत जगह फ़ायदा उठाते हो। एक तो क्या हमारे पास हर्मिट इक्वेशन, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं भाई, बताओ भाई क्या हमारे पास क्या बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपके पास इस तरह की शक्ल की आपके पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने बताओ क्या करना है इसको भाई। तो इसका पता है जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिख सकते हो, पावर सीरीज से। कैसे भाई, अरे बिल्कुल वैसे ही, क्या आएगा ए नॉट वाई वन ए वन वाई टू एंड सो ऑन। नहीं आएगा आपको, अरे भाई इस तरह की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिख सकते हो, पावर सीरीज
मेथड से। लेकिन जब आप ये y1 और y2 निकालोगे ना, तो इनमें क्या आएंगे? अरे भाई जो y1 और y2 ना, y1 क्या है? x का फंक्शन, y2 भी क्या है? x का फंक्शन। तो ये आएंगे पॉलिनोमियल्स, क्या आएंगे भाई? और जो किस फॉर्मूले से जाएंगे? इस फॉर्मूले से। इन्हें क्या बोलते हैं? हार्मिट पॉलिनोमियल। मैंने आपको पढ़ा रखी, नहीं पढ़ा क्वांटम में? पढ़ाए थे ना भाई? यहां पर आप n की वैल्यू 0 पुट करके 0 ऑर्डर का हार्मिट पॉलिनोमियल भाई आप ये निकाल सकते हो, सारे के सारे पॉलिनोमियल। सुन बात, तो ये पॉलिनोमियल आप कहां पुट कर दियो भाई? यहां, अरे भाई यहां पर पुट कर दियो आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा? फंक्शन। समझे बात? तो भाई ये क्या है? हार्मिट इक्वेशन। ये क्या है? एसोसिएटेड फंक्शन। फंक्शन में क्या है? हार्मिट पॉलिनोमियल। और ये किसका फॉर्मूला है? हार्मिट भाई पॉलिनोमियल का। ओके पेपर इसको, अरे आप इसको भाई आप इसको क्वांटम में अप्लाई करते हो, आपने पढ़ रखा है क्वांटम में, आपने ये चीज़ काफ़ी जगह अप्लाई ऑलरेडी कर रखी है। अरे भाई आपने ये आपने इस्तेमाल नहीं किया था क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर में? हार्मिट पॉलिनोमियल। और बताओ भाई, अब तो क्या है? एक क्या होता है हमारे पास भाई? लैग्रर इक्वेशन। जैसे हार्मिट इक्वेशन थी, अगर ऐसी शक्ल की आपके पास क्या हो, अगर आपके पास एक्स वाई डबल डैश वन माइनस एक्स वाई डैश एन वाई, अगर ऐसी शक्ल की आपके पास क्या हो? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप भी कैसे लिख सकते हो? पावर सीरीज एक्सपेंशन के तौर पे। लेकिन इसमें जो पावर सीरीज में जो क्या है हमारे पास, अरे जो हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स। वो कैसी शक्ल के आएंगे? वो डिफाइन होंगे इससे। तो भाई लैग्रर पॉलिनोमियल निकाल के और क्या पुट कर दिए फंक्शन में, आपके पास क्या जाएंगे? एसोसिएटेड लैग्रर फंक्शंस, इजंट इट? इसको पढ़ो, पढ़ लियो आपकी मर्जी भाई, ठीक है? क्योंकि आपको भाई, क्योंकि आपको वैसे ही पता भाई, अरे हाइड्रोजन एटम में भी हम इसको डेरिवेशन में, हाइड्रोजन एटम के डेरिवेशन में इनको यूज तो कर रखा है, लेकिन नेट में क्योंकि भैया आपको डेरिवेशन लिखना नहीं पड़ता, तो जो सेमेस्टर वाले हैं उनको इसका फायदा भाई, नेट वालों को इसका फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर आप फाइनली रिजल्ट ही याद करते हो भाई। नेट में आप फाइनल क्या याद करते हो भाई? रिजल्ट याद करते हो, इजंट इट? अच्छा बताओ भाई, ओके ये बताओ भाई, हार्मिट पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री विल बी, बताओ भाई मेरे से कौन सा? अरे भाई आपको मैंने पूछा भी तो भाई, मैंने पूछा भी, नेट में नहीं आएगा भाई ये क्वेश्चन, नेट में नहीं आया है, लेकिन आपने भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपसे किसी ऑर्डर का हार्मिट पॉलिनोमियल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बात? बताओ क्या आएगा हमारे पास ये, बोलो भाई। तो बताइए आप, हार्मिट पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास? क्या था ये फॉर्मूला था मेरे पास भाई? अरे बताओ भाई, एन की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करो, क्या पुट करो भाई? टू। तो बताओ मेरे पास क्या है? एच टू क्या है मेरे पास? फोर एक्स स्क्वेयर माइनस टू। आंसर क्या है बताओ, कौन सा आंसर है बताओ, फिर कौन सा आंसर आया मेरे पास भाई? फोर एक्स स्क्वेयर, कौन सा आंसर आया? ए, इजंट इट? मतलब यहाँ पर आपको एक फिजिकल सेंस तो आ गया ना भाई, देखो जितना आपको पढ़ना उतना आपको पहले पढ़ गया भाई, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इनको सॉल्व करने मीनिंग क्या होता है, इजंट इट? और भाई मोस्टली जो हमारे पास क्या होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्वांटम के अंदर, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पावर सीरीज मेथड से, इजंट इट? और ये भाई हार्मिट पॉलिनोमियल सारे का सारा भाई ये क्या बोलते हैं, मेरी जो बुक है ना एमएससी प्रीवियस की फिजिकल केमिस्ट्री, और बोलो भाई ओरिजिनेट वाली कौन सी है? एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम वन, थोड़ा प्रचार कर दें भाई, ठीक है? ओके, उसमें सारा ही दे रखा है, ओके कि नहीं आपको? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।